अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है, एक सेकेंड, यस आ जाइए दूसरी तरफ। ये भी हैंग कर दिया तुम लोग। आ जाइए दूसरा तरफ। आपको पता है कि हम लोग पगला लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड लोग के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। अब आज ये जान के आपको खुशी होगा कि जिंदगी में तीन तरह का पगला है, ठीक है। ये तीन तरह का पगलापन जीवन में खुशियां लाता है। नहीं, पहला जो पगलापन है उसको हम बोलते हैं इडियट, जो तुम्हारी बाबू सोना बोल सकती है तुमको। देखो, एक होता है पगलापन, जो पागल, जो दिल पे लगता है, और एक होता है जब तुम्हारा प्यारी, जो तुम्हारी बंदी रहेगी, वो तुमको बोलेगी पागल। तो वो प्यार वाला पागल है, ठीक है, इडियट हुआ। नंबर टू हुआ लूनैटिक, ये गाली नहीं है, ये भी एक तरह का पगलापन है, और ये प्योर केशव है जिसको बोलते हैं इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब सस्ता नशा, ये चुल्लू लेके बैठा रहता है, इसको रूटीन याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। अब ये तीन तरह का पगलापन है। अब एक चीज नोटिस करिएगा, बेसिकली पीपल लूज देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। वो कॉन्ट्रैक्ट ये लोग इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे लोग अपने सेंस को क्या कर देते, लूज कर देते, ठीक है, अपने सेंस में नहीं रहते। तो जब आप अपने सेंस में नहीं रहते तो आपका कंसेंट कहाँ से रहेगा। तो आप अगर इसीलिए बोला जाता है कि आप अनसाउंड माइंड लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। अब आपको मैं बता दूं, ये जो इडियट है ये एक परमानेंट तरह का पागलपन है। ये क्या है बोलो तो? परमानेंट पागलपन है, मतलब आपका माइंड फुल्ली जा चुका है, पूरी तरह से आप पागल हो चुके हो, और ऐसे लोगों के साथ आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं लुनाटिक और इंटॉक्सिकेटेड लोगों के बारे में, तो ये एक तरह का टेम्पररी पगलापन है। लुनैटिक मतलब होता है कि इंसान नॉर्मली पगलापन में रहता है और कभी कभी सेंस में आ जाता है। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब तुम नशा की हो तो उस समय सेंस में नहीं हो, तो कभी कभी वापस सेंस में आ सकते हो। तो ये एक तरह का क्या हो गया बोलो? टेम्पररी पगलापन। तो अगर एक टेम्पररी पगलापन है, अगर आप क्या बोलिए, टेम्पररी पगलापन है, तो लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इफ एंटर्ड, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड इफ एंटर्ड व्हेन पार्टी वॉज इन, क्या बोलो तो? साउंड माइंड। जब पार्टी साउंड माइंड में था तब आप उस समय अगर एंटर किए होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या माना जाता बताइए? वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर वो साउंड माइंड में नहीं था जब आप एंटर किए थे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? इनवैलिड माना जाएगा। पॉइंट यहां पे ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ क्या बताइए? प्रूफ।
वो थोड़ा क्या हो जाता है बोलो तो, डिफिकल्ट हो जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या हो जाता है बोलिए ना, डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज़ हार्ड टू प्रूफ कि आप जब एंटर किए थे आप सेंस में थे नहीं थे, समझ आ रहे हैं? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? इसीलिए हम लोग इस तरह के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करते। कैसे नहीं पता है? कभी किसी नशीले आदमी के आंखों में आंखें डाल के देखी हो? वो नशा में अरे नशा में रहता पता नहीं चलता, क्या बोल रही हो? अरे नशा में रहता वो तो पता चल जाता है क्योंकि वो उससे शॉर्ट वेव करता है, लेकिन आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या पता कि वो इतना नशा करता है कि नहीं? अभी तो नहीं कर रहा बात नहीं, हर चीज को इतना प्रैक्टिकली नहीं जोड़ना है। ये एक लॉ है जो बता रहा है कि इंटॉक्सिकेटेड लोग के साथ नशा नहीं करना चाहिए। अभी इंटॉक्सिकेटेड, अब देखो नशा जैसे ही बोल रही है तो तुम्हारे नशा के हिसाब से अल्कोहल आ रहा है, वो नहीं। नशा अलग अलग जात का भी होता है। कोई नाली के पास बैठ के पेट्रोल सूंघता है, वो भी एक नशा है। कोई 5 रुपये का वाइटनर सूंघता है, वो भी नशा है। नितिन फेविकॉल सूंघता है, वो भी एक नशा है। नशा अलग अलग तरह का है, अलग अलग लोग अलग अलग नशा। किसी को प्यार का नशा है, मेरे को तो नहीं भैया ये सब। इधर आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो है वो बात करता है पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय बोलो लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो डिसक्वालिफाइड बाय क्या है बोलो, लॉ है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। तो पर्सन कौन कौन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, जिसको कानून ही मना करके रखा है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। नंबर वन आता है एलियन, एनिमी, जादू नहीं रे। एलियन एनिमी मतलब देश का दुश्मन। देश के बाहर कोई भी अगर कंट्री है जिससे देश का वॉर चल रहा है, आप उसको एलियन एनिमी के नाम से जानेंगे और आप उसके साथ किसी भी एंगल से कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। नंबर टू, आप भिकमंगा लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, दैट इज इंसॉल्वेंट लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नंबर थ्री, आप कन्विक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। कन्विक्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो जेल में है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो जिसने अपने डेट को पेमेंट नहीं किया, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ पे कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है आप फॉरेन एम्बेसडर्स, वो जो एम्बेसीज होता है ना, फॉरेन एम्बेसडर्स, वो सब जो हमारे देश में दूसरों कंट्री के एम्बेसीज लोग वाले रहते हैं ना, ऑफिस जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। नहीं, आप नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट एंटर। उसके साथ क्यों बिजनेस करेंगे? उसका काम ही है रिप्रेजेंट करना दूसरे लोगों, दूसरे कंट्री को यहाँ पे। वो यहाँ पे कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस धंधा नहीं कर सकता, ही इज जस्ट देयर टू वर्क। क्लियर है? तो एलियन एनिमी के साथ नहीं कर सकते, इंसॉल्वेंट के साथ नहीं कर सकते, कॉन्विक्ट के साथ नहीं कर सकते, फॉरेन एम्बेसडर के साथ नहीं कर सकते, और आउटसाइड द स्कोप आप नहीं कर सकते। आप कंपनीज एक्ट में इंटर में पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जो कंपनी का औकात बताता है कि क्या वो काम कर सकता है क्या वो काम नहीं कर सकता है। तो कोई भी कंपनी उस स्कोप के बाहर जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दिस इज ऑल अबाउट आर चैप्टर नोन एज क्या बोलिए तो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने आपके साथ माइनर को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास। इस क्लास मैंने अनसाउंड माइंड को और पहले भी अनसाउंड माइंड को और पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ को डिस्कस कर लिया था, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए। कन्विक का मतलब होता है पर्सन जो जेल में है।
जेल वाले व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते।